सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज 10 लैपटॉप्स में जो है दोस्तों न्यूमेरिक कीबोर्ड को कैसे इनेबल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका जो विंडोज 10 लैपटॉप का जो कीबोर्ड लेआउट रहता है दोस्तों, वहाँ पर आपको कोई भी न्यूमेरिक कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता और या फिर आपको कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन करने के लिए। अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिलेगा दोस्तों, वहां से आप इजीली न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों विंडोज़ की प्रेस कीजिए, यहाँ पर सर्च कीजिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इस तरीके से सर्च कीजिए और एंटर हिट कीजिए, आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड, जस्ट इसको आपको चेक करना है और ओके पे क्लिक करना है। अभी आप राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है आपके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में एक्टिवेट हो गया है। आप यहाँ से ईजिली जो है दोस्तों, अगर आपको कोई भी कोड्स वगैरह टाइप करना है तो आप इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो नम लॉक पे क्लिक कीजिए, वो टर्न ऑन और टर्न ऑफ यहाँ से हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली आपके लैपटॉप्स में जो है दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो ये मेथड आप ट्राई कर सकते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन करने के लिए। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, ईजी शॉर्ट सिंपल सा वीडियो है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।